वेलकम बैक टू डे थ्री। अभी मैं निकल रहा हूँ शरगांव के लिए और यहाँ भोल फेरी पोर्ट से मैंने फेरी ली भी, सेबू के लिए सिंह सेबू से मेरी फ्लाइट है। लेकिन मेरे सामने सनसेट है, सनराइज़ है ना, वो देखें, ये सनराइज़। फिलीपींस में सनसेट और सनराइज़ दोनों बहुत अच्छे होते हैं। ये है फेरी पोर्ट, यहाँ से मैं फेरी लूँगा और फिर शरगांव सेबू पहुँचूँगा, फिर वहाँ से शरगांव की मेरी फ़्लाइट है। अभी फेरी में टाइम है तो मैं 7-11 पे आ गया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और मैंने ये नूडल्स लिए हैं इसको बना के। 6 बजे की फेरी है, उसके बाद मैं जाऊँगा सेबू, फिर लॉन्च में ही कुछ खा लूँगा। फिलहाल तो मैं नूडल्स, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है फेरी की। ये फेरी है, यहाँ से 2 घंटे लगेंगे मुझे सेबू पहुँचने में। ये है फेरी, 2 घंटे मुझे यहाँ स्पेंड करने हैं। 2 घंटे की फेरी है छोटी सी और सुबह के 6 बज रहे हैं। आई होप जल्दी लाउंज में चेकिंग कर लिया है मैंने, सेबू लाउंज में। यहाँ तो मैं पहले भी आया था, वर्ल्ड कार्ड होने का फ़ायदा। ये यहाँ पे ड्रिंक्स रखी हुई हैं और ये फ्रूट काउंटर सैलेड, ये क्या है एग्स, और ये है चिकन प्लेन राइस, ब्रेड काउंटर। मेरी फ्लाइट में अभी 2 घंटे हैं तो मैं यहाँ ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद फ्लाइट पे जाऊँगा। शरगांव लैंड कर गया हूँ, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, लगेज भी आ गया। अब मैं सामने टैक्सी ढूंढूंगा और होटल की तरफ जाऊंगा, फिर होटल में बैग ड्रॉप करके एक जगह जाऊंगा, वहीं जाके बताऊंगा। रूम में चेकिंग कर लिया है, ये मेरा छोटा सा रूम है और सामने बीच व्यू है, मैं वो दिखाता हूँ वो भी। ये मेरे होटल का बाहर का व्यू है, सामने ही बीच है। यहाँ पे गर्मी बहुत है, पता नहीं था नवंबर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती, बिकॉज़ मैं जब लास्ट आया था इतनी गर्मी नहीं थी। ये है बीच, और यहाँ ऊपर मेरा रूम है सामने जो, लेकिन रूम बहुत छोटा सा है। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, ये नीचे जाने का रास्ता है बीच की तरफ, अभी तो खाली पड़ा हुआ है बीच। ऊपर आ गया, गीला हो गया मैं पूरा। फर्स्ट लोकेशन पे आ गया हूँ, कोकोनट व्यू पॉइंट। वर्ड्स में नहीं बता सकता कितना खूबसूरत है ये देखो, ओ इतना सारे पाम ट्रीज। कोकोनट माउंटेन कहते हैं इसको। अब मैं यहाँ से अपनी दूसरी लोकेशन पर जाऊँगा, लेकिन यहाँ से जाने का दिल नहीं चाह रहा है, इतनी अच्छी जगह ही है। जितना मैं थक गया था ना भोल और मनीला में फ्लाइट की वजह से, यहाँ का उतना ही फ्रेश हो गया। यहाँ वैसे तो बाइक रेंट करते हैं, लेकिन मैंने टुक टुक ले लिया था क्योंकि सिम नहीं थी तो राइडर अच्छे से घुमा देगा मुझे। ओके, इस वक्त मैं आ गया हूँ सेकंड लोकेशन पे, कोकोनट रोड। ये सेकंड स्पॉट है यहाँ का और लोग इस तरह बीच पे पिक्चर्स लेते हैं, हालांकि अलाउ नहीं है पिक्चर्स लेना इस तरह। यहाँ
यहाँ लिखा हुआ भी है। ओके, मैं अपने थर्ड स्पॉट पे आ गया हूँ, सीक्रेट बीच पे। ये देखो, ये सीक्रेट बीच। ये मेरा लास्ट स्टॉप है आज का, इसके बाद मैं टाउन एक्सप्लोर करूँगा। शरगांव में मैं जो एक्सपेक्टेशंस करके आया था उससे ज़्यादा ही अच्छा है। एक तो वेदर अच्छा हो गया यहाँ पे भी शाम के टाइम, बीचेस बहुत अच्छे हैं, ग्रीनरी इतनी है, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। ये बीच बहुत काम, यहाँ से अभी तो वॉक ही कर रहा हूँ और आगे तक जाना है मेरे ख्याल से। कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है। सनसेट ख़त्म हो गया है, अब मैं आगे जाता हूँ। इतना अच्छा सनसेट मैंने अभी तक नहीं देखा। फिलीपींस में सनसेट और सनराइज़ दोनों बहुत प्यारे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अंधेरा होने वाला है ऑलमोस्ट। बीच पे आ गया हूँ मैं, अभी मैं बीच के उस तरफ जाऊँगा। अंधेरा हो गया है और मेरा डॉक्टर क्राइडर भी बाहर वेट कर रहा है, पर मुझे सामने लोग स्विम करते हुए दिख रहे हैं और मैं तो स्विम शॉट ला रही नहीं हूँ। आज का दिन गुजर गया लेकिन बहुत टायरिंग था, इतना भाग भाग में ट्रैवल किया है, फेरी ली, फिर फ्लाइट ली, फिर यहाँ आया, फिर होटल मैंने चेंज किया क्योंकि वो होटल रूम बहुत छोटा सा था। ये देखें, अभी मैं हूँ टाउन में शरगांव के और ढूंढ रहा हूँ कोई खाना मिल जाए, लेकिन यहाँ पे एक भी हलाल फूड रेस्टोरेंट नहीं है, ना कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, ना कोई वीगन रेस्टोरेंट है। म्यूज़िक चल रहे हैं, दोनों तरफ बार्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं। नाइट लाइफ थोड़ी हैपनिंग है यहाँ पे, भोल की तरह डेड नहीं है, भोल में तो बिल्कुल ही डेड थी नाइट लाइफ। बड़ी मुश्किल से इंडियन रेस्टोरेंट मिला था और वहाँ मैंने खाना खा लिया। रात के 9 बज रहे हैं, मैं तो होटल की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह मेरा एक टूर है अर्ली मॉर्निंग। तो इस वाले व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा, व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ये अल नीडो की नाइट लाइफ है, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में।